सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इन कृष्णा जी के ड्राइंग को कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुके हैं, एक आउटलाइन का, एक सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट, और ये है फोर्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्राइंग को। और अगर आपने इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने इयरिंग को ड्रॉ किया है वो मैंने इमेजिनेशन से ही ड्रॉ किया है, क्योंकि जो रेफरेंस में इयरिंग था वो काफ़ी मतलब मैसी था, क्योंकि वो AI जनरेटेड पिक्चर था इसीलिए। और इसमें मैंने क्या किया है कि पहले आउटलाइन को ड्रॉ किया और उसके बाद जो इधर शेडोड एरिया था इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क इयरिंग ड्रॉ किया है। और बीच में मैंने एक स्टोन दिया जिसको मैंने ग्रीन कलर का टोन दिया है, कलर दिया है, और उस स्टोन में मैंने हाईलाइट और शेडोज को भी ड्रॉ किया है। तो इसी हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। और हल्का सा मैंने इस इयरिंग को ओकर येलो कलर का टोन दिया है ताकि वो गोल्डन और सिल्वर टाइप का टोन दे। और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस किया है वो बिल्कुल दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ पे कलर्स अगर मैं दे देता तो वो और भी ज़्यादा मतलब ओल्ड नहीं लगता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे येलो और वाइट कलर का एक टोन दिया है जो कि क्रीम आप कह सकते हैं, और एक ग्रीन टोन है और एक रेड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पैच मैंने यहाँ पे शेडिंग किया है, ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है, पैच ही देना है। तो शेडोड एरिया में आपको डार्क कलर के वहाँ पे कलर को यूज़ करना है, और जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया रहेगा वहाँ पे आपको वाइट से और उसी कलर के लाइटर टोन से आपको पैच देना है ताकि वो काफ़ी अच्छा दिखे। सो गाइस, जहाँ पे मुझे गोल्डन कलर के ज्वेलरीज बनाना था वहाँ पे मैंने येलो कलर से पहले शेडिंग कर दिया, मीडियम येलो कलर से, और उसके बाद उसके ऊपर ब्राउन कलर को शेडिंग किया है, और उसके बाद एक कैची के हेल्प से उसको स्क्रैप कर दिया है ताकि वो लगे कि वहाँ पे कुछ गोल्डन कलर का ज्वेलरी है। और उसके बाद मैंने 10B पेंसिल से वहाँ पर और भी ज़्यादा जो डार्कर वैल्यूज़ थे उनको ऐड कर दिया है।
सो गाइज ड्राइंग तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ सिग्नेचर देना बाकी है। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इस आर्ट कॉम्पिटिशन का डेट को एक्सटेंड कर दूँ, तो अगर आपको कुछ बोलना है इसके बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक्सटेंड करूँ कि नहीं करूँ आप बताइए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। We'll be right back.